ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಸೌಲಭ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಟಿಗೆ ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕೈದು ವೈರ್ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा की जानिब से DHO साहब से मिल करके हमें जो आज ब्लैक फंगस का जो इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके इंजेक्शंस सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनअवेलेबल होने की वजह से, मेडिसिंस अनअवेलेबल होने की वजह से, हमने उनकी नोटिस में लाने के लिए ये इश्यूज़ को आए हैं. साथ ही साथ जो थर्ड वेव जो प्रिडिक्ट किया गया वायरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, वो साइंटिस्ट की तरफ से, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा अटैक होगा, तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए DHO सर को हमने इस बात का सीरियसनेस जताने के लिए आए थे कि ये बच्चे अगर खुदा नखास्ता अगर वेव स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी दो चार केस आ चुके हैं शहर के अंदर, तो मज़ीद ना बढ़ने के लिए इनको इन टाइम प्रिपरेशन करके उसको बिल्कुल एक सेटअप अलहदा से करके बच्चों के लिए, वो एक चीज़ को हमने डिमांड की हुई है. तीसरा जो रेमडेसिविर और दूसरे जो मेडिसिन जो कोविड रिलेवेंट हैं, उनकी भी अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये जो शहर के अंदर जो हाहाकारी मची हुई है, जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को ओवरकम करने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंटीमेट और नोटिस में लाए हैं कि आने वाले हालात अगर संगीनी के बढ़ते जाएंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली मुस्तैदी के साथ, यानी बिल्कुल कमर बस्ता होकर के उसको टैकल करने, डील करने के लिए रेडी होने की ज़रूरत है, हमने ये जताया है. और बहुत सारी NGOs जिस तरह से आज फील्ड में काम कर रही है, वो यूथ्स जो शहर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल साथ देते हुए ये मेडिकल इमरजेंसी के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जिस तरह के रेडीनेस होने की चीज़ है, वो रेडीनेस होने के लिए हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया DHO को एड्रेस किया हुआ है, साथ ही साथ RC साहब को भी एड्रेस किया हुआ है, साथ ही साथ DC साहिबा को भी एड्रेस किया हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों डिमांड्स जो जिनेन है और वक्त की ज़रूरत है, उसको संगीनी लेते हुए, उसको सीरियस लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसको सॉल्व करेगा. मोहम्मद मोहसिन, SDPI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक टीम आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास आज यहाँ पर हम लोग आए थे. यहाँ पर आने की असल वजह ये थी कि कोविड की वजह से, जो कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस जो ज़्यादा गुलबर्गा के अंदर केसेस आ रहे हैं, और इसका जो एंटी फंगल जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है. अगर है तो वो बहुत ही कम मकदार में है. चूँकि गुलबर्गा के अंदर ये केसेस शुरू हो गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट DHO के नॉलेज में ये लाए हैं कि जल्द से जल्द जो है ना उन मेडिसिन का जो है ना आप तैयारी कीजिए, उसका जो मंगवाने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट करें, क्योंकि अगर इससे अगर कुछ अमवात होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये हमने इनको जताया है. और आने वाला जो थर्ड वेव है, ये कोविड का जो है ना हमें मालूम नहीं था, तो उस वजह से हम लोग तैयारी नहीं किए बोल करके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन या जिम्मेदार लोग कह चुके हैं. लेकिन अभी आपको 2-3 महीने पहले थर्ड वेव का जो है ना आपको मालूम हुआ है, तो जो थर्ड वेव में सुनने में आ रहा है कि बच्चे इसमें ज़्यादातर मुतासिर होंगे, तो ये बच्चों का मामला है. कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो आप लोगों से अभी से एक हमारा डिमांड है, एक अपील है कि आप लोग इसके लिए जो है ना एक अच्छी सी तैयारी कीजिए. इसके लिए क्या बेड्स होना है, कितने वेंटिलेटर्स होना है, क्या इसका जो है ना प्रिपरेशन है, आज ही से जो है ना करके उसको एक रेडी मूड में रखना, ये SDPI का आज मुतालबा था.